गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय डे। कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, आई फील मस्त रहो। सो अब उठे हम रेडी हो सुबह सुबह और सिर्फ अभी 6:05 हुआ, मैं जा रहा हूँ जिम। कोई नहीं आया जिम में, स्टार्टिंग में आ गया मैं। और जिम खुलते ही 6 बजे ना अपना जिम स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले म्यूजिक ऑन करते हैं, स्टार्ट होता है हमेशा बजरंग बली के भजन से। हम तो बजरंग बली के भजन से स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह। वर्कआउट ऐसे होने चाहिए जो मालूम पड़े ना कुछ भी फील आ रहा है। तेरी बातें बातें पूरी होगी तो वर्कआउट भी कर ले। जब से देख रहा हूँ तीनों लगे पड़े बातों में साथ। वो देखिए कैमरा करते जंप करने लगा। ओ भाई साहब, ये दोनों करते भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं ऐसे जल्दी। मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, मस्त एक्सरसाइज करके आया हूँ, बॉडी वॉडी बना के एकदम से, और अब जाऊँगा सीधा भारी ने स्कूल छोड़ने के बाद। रेडी है? हाँ भाई, ये तो आज स्कूल साइड से जा रहा था मूवी देखने। कौन सी मूवी? नाम पता? मूवी देख रहा, नाम नहीं पता। हाँ ऐसे कुछ है। चलें रेडी? चलो चलो जल्दी। चलो ठीक है, तू मूवी एंजॉय कर, तू अपना एग्जाम एंजॉय कर भाई। चलो बच्चों बाय। भाई इनके स्कूल से जस्ट पहले ना सामने स्कूल होगा, यहाँ इतना जाम रहता है स्कूल टाइम पे ना, इतना जाम। रीज़न इसके पीछे ना, चार स्कूल हैं और चारों बड़े बड़े स्कूल हैं, एक ही साथ सबका टाइमिंग है, तो उस चक्कर में क्या है यहाँ पूरा जाम। एक स्कूल यहाँ पे ही हो गए और एक इसके ठीक सामने टीवेंट पर गवर्नमेंट स्कूल है और दो स्कूल आ गए, तो चार स्कूल एक साथ होने का भाई नुकसान तो होगा। सो अभी मैंने इनको ड्रॉप कर दिया और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सीधा पोहा खाने। यार बहुत दिन से पोहा खाया ही नहीं है मैंने, सही बताऊँ ना, मतलब पोहा घर वाला तो खाया घर पे जो बनता है, यहाँ पे जो पोहा बनता है वो नहीं खाया, उसका मस्त लगता है मुझे। अभी एक बनाना भाई मिर्च डाल के। पहले भी बता चुका हूँ सही में गजब का पोहा होता है ये। इसी रोड पे ना आगे दो बंदे और लगाते हैं पोहा, आसपास भी नहीं है, कोई चांस ही नहीं है, नजदीक भी नहीं है बंदे के, बहुत बढ़िया पोहा होता है। अभी चाय भी हो ही जाए, जब सही टाइम पे पोहा हो गया था सही टाइम पे चाय भी आज, बहुत चाय भी नहीं पी यार मैंने कई दिन से, जो मैं रेगुलर वाली चाय पीता ना। सोनू भाई कुछ ज़्यादा बिजी है आजकल, हो सकता है कुछ बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, तो फिलहाल चाय अकेले पी लेता हूँ। सो अभी चाय तो बन रही है तो मैंने सोचा थोड़ा ऐसे ही वॉक कर लूँ इधर, क्योंकि पीछे मार्केट है, मार्केट में कुछ नहीं है अभी, ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं तो, जस्ट वॉक बोल रहा हूँ, मार्केट को ध्यान ना दें, वहाँ देखने को भी कुछ नहीं है, ताड़ने को भी कुछ नहीं है। लेगा भाई कोई नहीं लेगा, वापस मेरे पास ही रह जाएगा वो। भाई मौसम चेंज हो गया चाय की चुस्की के साथ साथ ना, बाहर देखो मौसम मस्त है, लग रहा बारिश वारिश होने वाली है, एकदम बादल बादल से दिख रहे हैं, डार्क दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इतनी तेज रोज गर्मी हो रही थी ना पिछले 2-4 दिन से। मैंने एक दिन स्क्रीनशॉट भी दिखाया था, 47 डिग्री दिखा रहा था गाड़ी का आउटसाइड टेम्परेचर। अच्छा बट हो जाए तो सही है भाई, मौसम चेंज 47 किसे पसंद है भाई। अपनी गाड़ी जो है ना लाला ने मस्त वॉश कर दी है, देखो चमका दी, ठीक है। और अब क्या सीन है, मौसम हो रहा है चेंज। सुबह कैसा था ना जब वहाँ से आ रहा एकदम बादल बादल, और मुझे नहीं लग रहा भाई बारिश बुरिश का कोई सीन है, खुलने वाला है फिर से, चलते हैं ऑफिस। लेट आऊँगा आज, लेट आऊँगा पार्टी है। घर से निकलते निकलते मंजू के मन में मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया, मैंने उसे बोल दिया लेट आऊंगा, लेट पार्टी में आना। अब उसके मन में क्वेश्चन है किसकी? मुगाटी
तो भाई ऑफिस में हो गया लंच, करीबन टाइम हो गया 2:30 बज गए पूरे, और लंच ऑफिस में करके मैं अभी सुबह से कोई मीटिंग नहीं हुई, कहीं नहीं गया, अभी भी कोई मीटिंग नहीं है, बट मैं निकल रहा हूँ ऑफिस से यहीं पास में गौरव डेढ़ा के पास चलते हैं भाई। गौरव डेढ़ा भाई ने बुलाया घर पे, छोटा सा गेट टूगेदर रखा है, क्यों रखा है मैं पहुँच के बताऊँगा आपको, पास में ही यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है। राम राम जी, आज दावत का उपलक्ष्य क्या है ये तो बता दो। पैसे वाले हट गए, एक और नई उपलब्धि मिली क्यों ना। और भाई का जो ससुर जी हैं वो इलेक्शन जीते, जैसे मैंने बीच में बताया था ब्लॉग में, तो थोड़ी सी छोटी बिल्डिंग दावत कर रहे हैं उसे आप। और आज हमारे बड़े वाले भाई का बर्थडे है। अच्छा, भाई का बर्थडे। अरे एक साथ दो नतीजे हो जाएगी आज भाई, 18वां जन्मदिन मुबारक हो भाई। सत्र वाला तो कैसा लग रहा है 18 दिन में मना के भाई? मुझे अब तक तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मैं आपके ब्लॉग में आऊंगा। अब लाइसेंस अप्लाई करवा देंगे भाई। लाइसेंस अप्लाई कराओ भाई, पहले मेरी वोट बनवाओ, मैं वोट नहीं डालने जा। गाजियाबाद की बनवानी तो यहाँ से बनेगी। भाई दारा भाई ने मुझे सेलिब्रिटी बनाया आज। अरे बाबा भाई, सेलिब्रिटी से आई है भाई का प्यार है भाई, केक लेकर आए स्पेशल, बढ़िया बढ़िया भाई मिले। हम तो ऑनलाइन बाय करेंगे सर, ठीक है जी, ठीक है भाई, ठीक है भाई, करो मिलते हैं फिर, ठीक है अमित भाई, एक बार फिर जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। मैं सच में ये पूछ रहा था, गाड़ी किसका, अलॉय बहुत अच्छा लगा। चलो ये बढ़िया है और अच्छी बात है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू, थैंक यू, मिलेंगे फिर। हाँ हम वही जब हिमाचल में फोटो फोटो भी अच्छे लग रहे हैं, फोटो फोटो भी लगे, मैं दिखाऊं लोगों को। हाँ देखो ना, नहीं सच में अच्छे हैं। चलो भाई ठीक है भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। सो भाई गौरव भाई के यहाँ से मैं निकल गया हूँ अमित भाई का बर्थडे मना के। अमित भाई जो है गौरव भाई से बड़े भाई हैं और हमारे भी बड़े भाई हैं, और खूब मज़े करे, बहुत मज़ा आया। एक तो बहुत बहुत दिन बाद मिलना होता है, बहुत दिन बाद मिले, सारे भाई बंधु बैठे, राजू भाई भी थे, हरीश भाई भी थे, राहुल था भांजा, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा। तो अपने ऑफिस से जस्ट 60 सेकेंड का रास्ता है, अब अगले 60 सेकेंड में ऑफिस फिर से, अभी तो कोई मीटिंग है नहीं, टाइम हो चुका लगभग 4:15, तो फिलहाल ऑफिस ही बैठते हैं। सुबह ही आज का दिन मस्त जा रहा है, बहुत मज़ेदार है, मैंने आपको दिखाया भी टाइम कितना अच्छा हमने निकाला। और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ नोएडा, नोएडा में मीटिंग है वैसे तो, बट उस मीटिंग के बाद का भी मेरा कुछ प्लान बन रहा है, आई होप वो प्लान बन जाए और फिर और ज़्यादा मजा आए, बट फिलहाल तो अभी पहले मीटिंग चलते हैं, तो मीटिंग तक पहुँच जाऊँ उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या प्लान है, क्या है क्या नहीं है। सो भाई मैं अभी जो है ना निकल रहा हूँ से, और टाइम हो गया है मेरी घड़ी के हिसाब से 10:30, 10:30 बज गए भाई, थोड़ा सा लेट हो गया, मीटिंग में इतना टाइम नहीं लगा जनरली, मैं उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाया एक्चुअली, मीटिंग में इतना टाइम नहीं लगा, मैं उसके बाद मिलने चला गया था अपने भाई से हर्ष अवाना से मीटिंग हुई, बहुत दिन बाद मिले, बहुत अच्छा टाइम निकला, बहुत मजा करा। सो बट उसके बाद शूट नहीं करा क्योंकि आराम से एक जगह बैठ के खूब गप्पे मारी, मस्ती करी, बातें करी, बहुत सही टाइम था। आगे की प्लानिंग करी, क्या प्लानिंग करी भैया, आगे ना कुछ अच्छे अच्छे ट्रैवल आने वाले हैं, ट्रैवल प्लान करके आया हूँ बहुत बढ़िया, बट अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ घर पे, हालांकि दूर नहीं हूँ मैं, 10 से 15 मिनट घर पे, अभी चलते हैं घर पे भाई, ठीक है, नॉर्मली रोज से लेट हूँ, चलते हैं यार, थोड़ा सा नींद वींद भी आ रही है मेरे को भाई। तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, सब घर वाले
लेट चुके हैं, 11:30 हो चुके हैं, मेरी भी नींद आ रही है, आंखें बंद हो रही है, जल्दी से सोता हूँ, आराम करता हूँ। कल मिलते हैं, नई मस्ती, नए ब्लॉग, नए दिन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।